भोजपुरी के सुपर खलनायक कहे जाते हैं अवधेश मिश्रा जी। हालांकि आजकल सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि दूसरे भी अन्य किरदारों में देखे जाते हैं, कभी पिता बन जाते हैं तो कभी एक पागल किरदार का रोल ये करने लग जाते हैं, और आजकल तो अवधेश भैया निर्देशन के भी क्षेत्र में आ चुके हैं। हाल ही में उनकी जुगनू फिल्म का ट्रेलर आया जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म को अवधेश मिश्रा साहब ने ही लिखा है, इस फिल्म में खुद इन्होंने अभिनय भी किया है और इस फिल्म का निर्देशन भी अवधेश मिश्रा साहब ने ही किया है। लेकिन अवधेश मिश्रा जी और भी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाक बातों के लिए, अपने विवादित बयानों के लिए। जब भी इन्हें दिल में कुछ कहना होता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खुलकर बातें करते हैं, ये नहीं डरते हैं किसी से। और अब इनका एक पोस्ट बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसे इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यानी अवधेश मिश्रा ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये विवाद खड़ा कर सकता है आगे चलकर, आप खुद पहले ये तस्वीर देखें उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं अवधेश मिश्रा साहब ने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है जिसमें बीच में हम देख पा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव साहब हैं, दाहिने हाथ पर अवधेश मिश्रा सर हैं और बाएं हाथ पर सुपर कॉमेडियन मनोज टाइगर साहब हैं, और बीच में दो अभिनेत्रियां भी हैं जिनमें से हम रानी चटर्जी को देख रहे हैं और पाकी हेगड़े को देख रहे हैं। ये पांचों कलाकार किसी अवार्ड शो में गए हुए हैं और सभी ने अपनी अपनी ट्रॉफियां ले रखी हैं, और तस्वीर देखकर मालूम पड़ता है कि सालों पुरानी ये तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर किस तरह का विवाद आगे चलकर खड़ा कर सकती है, ये तस्वीर किस तरह से कटाक्ष कह रही है, ये हम आपको बताते हैं। इस तस्वीर को शेयर करने के बाद अवधेश मिश्रा साहब ने लिखा है, एक बहुत ही पुरानी तस्वीर जब बनारस के घाट पर ईटीवी के अवार्ड शो में मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था, जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सचमुच एक परिवार हुआ करती थी जहां हर सदस्य को उसके गुणवत्ता के आधार पर पारिश्रमिक और पुरस्कार मिला करता था और फिल्में भी अपनी खूबियों और खामियों के आधार पर सफल और असफल हुआ करती थी। धन्यवाद मनोज टाइगर जी उस वक्त को याद दिलाने के लिए। यानी साफ तौर से मनोज टाइगर साहब ने इस पुरानी तस्वीर को अवधेश मिश्रा तक भेजी और अवधेश मिश्रा ने इस तस्वीर के जरिए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। न केवल पुरानी यादों को ताज़ा किया बल्कि एक व्यंग कसा है, कटाक्ष कसा है आजकल के अवार्ड शो को लेकर। साफ तौर से जो लाइनें अवधेश मिश्रा साहब ने कैप्शन में लिखी हैं उनसे यही मालूम होती है कि आजकल के जो अवार्ड शो हो रहे हैं, उन अवार्ड शो में जो ट्रॉफियां लोगों को दी जा रही हैं, जो पुरस्कार लोगों को दिया जा रहा है, वो बेवजह है। यानी सेटिंग के आधार पर लोगों को अवार्ड मिल जाया करते हैं। हालांकि सभी अवार्ड में अवधेश मिश्रा साहब भी मौजूद होते हैं और उन्हें भी किसी ना किसी तरह का अवार्ड मिलता ही है, लेकिन इस तरह से अवार्ड का बटना अवधेश मिश्रा साहब को आजकल नहीं ठीक लग रहा है। उनके हिसाब से जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जिस गुणवत्ता के आधार पर अवार्ड मिलने चाहिए, वो बिना देखे किसी भी शर्त पर लोगों को अवार्ड दे दिए जा रहे हैं, जबकि फिल्में उस काबिल आजकल नहीं बन रही हैं। इस कटाक्ष पर, इस व्यंग भरे शब्दों पर अवधेश मिश्रा साहब के, आपकी राय क्या है? क्या आप अवधेश मिश्रा जी की बातों से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा हमें। बने रहें देसी भारत के साथ दोस्तों। नमस्कार।